जहां शहर के लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क एमजी रोड पर इन दिनों भिखारियों का बड़ा कब्जा है। बड़ी संख्या में बच्चे भीख मांग रहे हैं, इसके लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है तथा पॉइंट बांटे जाते हैं। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती हैं। यह खुलासा चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट एवं महफूज संस्था के समन्वयक नरेश पारस की सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। उन्होंने यह रिपोर्ट पुलिस तथा प्रशासन को सौंपी है। वही फोटो खींचने पर बच्चे तथा महिलाएं चेहरा छुपाकर भाग जाते हैं, कुछ शारीरिक विकलांगता का नाटक करते हैं। महफूज द्वारा 20-22 अगस्त 2022 को किए गए एमजी रोड के 3 दिवसीय सर्वे में 64 बच्चे भीख मांगते पाए गए। यह बच्चे भगवान टॉकेज सूर सदन हरि पर्वत सेंट जॉर्ज साई की तकिया तथा प्रतापपुरा चौराहा पर भीख मांगते पाए गए। किस तरीके से नाटकीय ढंग से बच्चों से भीख मंगवाया जाता है, जिसका खुलासा हुआ है, जहां पर अलग अलग बच्चों के पॉइंट बांटे गए हैं और उनसे भीख मंगवाने का काम किया जाता है। एमजी रोड पर बच्चे लगातार भीख मांग रहे हैं, इसको लेकर हमने एक सर्वे किया भगवान टाकी से लेकर प्रतापपुरा चौराहे तक। तो 64 बच्चे ऐसे थे जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे। अधिकांश बच्चे इनमें बाहरी जिलों के या बाहरी राज्यों के हैं, जिनसे यहाँ पर लाकर भिक्षावृत्ति कराई जा रही है। जब हरि पर्वत पे एक बच्ची से बातचीत की गई तो बच्ची ने बताया कि मुझे राजस्थान से लाकर यहाँ पर भीख मंगवाई जा रही है। तो ऐसे में ही वहाँ पर हस्तक्षेप करते हुए एक महिला आई, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था, उसने उसको धुतकार के भगा दिया और बोले कि तुम दूसरी जगह पर भीख मांगो, इनसे बात मत करनी है। तो क्या ये रैकेट चल रहा है? जी देखो, कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चे ये भीख मांग रहे हैं और बाहरी जनपदों से राज्यों से आ रहे हैं, तो कोई ना कोई इनमें गैंग है जो इनसे भिक्षावृत्ति करा था।